हमारे पास किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम या और भी कोई गंभीर बीमारी के पेशेंट आते हैं ना, हम सबसे पहला काम ना उनका खाने का ब्रैकेट सेट करते हैं जी। हम बोलते हैं उनको कि आपने सुबह 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाना और शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, यानी कि जो खाना है 9 घंटे में खाना है जी। तो अब जो 15 घंटे नहीं खाया जी, इसको बोलते हैं ऑटोफेजी जी। 2016 में इसको नोबेल प्राइज मिला है, इस स्टडी को, ऑटोफेजी को। योशिहोरी उसुमी जैपनी साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, और उनसे पूछा गया आपने साइंस कहाँ से ली, भारत के वेदों से, आयुर्वेद से, लेकिन नोबेल प्राइज खुद जीत गए जी। और आचार्य जी आज इसको इंटरमीटेंट फास्टिंग बोलते हैं, हाँ, इसी को इंटरमीटेंट फास्टिंग बोलते हैं, ऑटोफेजी को बोलते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जितने घंटे आपने नहीं खाया, अगर आपकी बॉडी के सेल्स को भूख लगी तो वो अपने आप ही अपने अंदर की आउटग्रोथ को, कचरे को खा जाएंगे। मतलब आपकी बॉडी के सेल्स, गुड सेल्स, अपने आप ही बैड थिंग्स को खत्म कर देंगे। अगर आपकी बॉडी में कोई कैंसर की गांठ बन रही है, कोई पथरी बन रही है, कोई रसौली बन रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है, कोई सिस्ट बन रही है, तो जो आपने बोला था PCOD, या किडनी पे सिस्ट आ गई है, या लीवर पे सिस्ट आ गई है, यूट्रस में सिस्ट आ गई है, कहीं भी आ गई है, तो बॉडी उसको खत्म कर देगी। इसके पीछे विज्ञान ये है जी। तो किडनी फेलियर का भी जो एक रोग है आचार्य जी, बहुत लगातार बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं आज के डेट में ना छोटे छोटे बच्चों को भी किडनी फेलियर की समस्या हो जाती है, डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं। तो आयुर्वेद में डायलिसिस पूरी तरह से रोक सकता है, बचा सकता है डायलिसिस से, क्योंकि आयुर्वेद को कहा जा रहा है आज के डेट में कि उभरता हुआ है, जो हर बड़ी बीमारी को ठीक कर रहा है। देखो अंग्रेजों ने 150 साल मेहनत करी इस शब्द को खत्म करने के लिए जी, आयुर्वेद को बकायदा कानून बनाए, इस पर फांसी की सजा, जेल जाने की सजा का प्रावधान रखा। अच्छा, सबसे पहले अंग्रेजों ने 1895 में बनाया था एपिडेमिक एक्ट, जो अभी पैंडेमिक एक्ट के नाम से चलता है, जो अभी कोरोना में लगाया भी गया था, पैंडेमिक एक्ट। एक्चुअल में ये एपिडेमिक एक्ट का हिस्सा है। अच्छा, एपिडेमिक एक्ट ही है वो, 1895 में बनाया था अंग्रेजों ने। क्यों बनाया था? अंग्रेज भारत में राज करते थे, पूरी दुनिया में प्लेग फैला 1895 में, ठीक है। तो अंग्रेजों ने एपिडेमिक एक्ट बना के आयुर्वेद को पिछड़ी पत्ती घोषित कर दिया जी, ताकि आयुर्वेद से प्लेग का इलाज ना हो सके और डॉक्टरों को एलोपैथी की गोलियां ही खिलानी पड़े। तो पहली शुरुआत यहां से हुई। आप एक कहावत सुनते ना, बिल्ली रास्ता काट गई। एक्चुअल में कहावत क्या है, बिल्ली रास्ता काट गई, हम बोलते काम रुक जाओ, ऐसा नहीं था। एक्चुअल में जब प्लेग फैला था तब बिल्ली क्या खाती है, चूहे, और अंग्रेजों की लेडीज जो वाइफ्स है वो बिल्लियां पालती थी, तो गांव वाले उनसे दूर रहते थे उस टाइम। अच्छा, तो एक कहावत चल पड़ी, बिल्लियों से दूर रहो, और वो धीरे धीरे वक्त के साथ बदलते बदलते बिल्ली रास्ता काट की बन गया। क्योंकि जब हम उस टाइम लोग चप्पल जूते नहीं पहनते थे, नंगे पांव घूमते थे खेतों में, तो बिल्ली का बाल पांव में लग जाता था, तो लोग कहते थे प्लेग हो जाएगा। तो बिल्ली से, क्योंकि बिल्ली अगर जब चलती है ना, बिल्ली के बाल गिरते हैं, और जब हम उसके ऊपर पैर रखेंगे तो पैर चुभ जाएगा, तो उनको लगता है प्लेग ना हो जाए। तो एक कहावत चल पड़ी, बिल्ली से दूर रहो, लेकिन वो कहावत बन गई बाद में, बिल्ली रास्ता काट गई, गाड़ी रोक के खड़े जाते हैं लोग, कोई स्कूटर रोक के खड़े जाता है, भाई ऐसा नहीं है। बेसिकली प्लेग से बचने के लिए कहावत चली थी, ठीक है। एक बात, 1895 में ये किया अंग्रेजों ने, फिर 1909 में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, ठीक है। उस कमेटी का काम था कि कैसे आयुर्वेद को तुमने खत्म करना है और एलोपैथी को स्थापित करना है। उस कमेटी ने 1930-22 में अपनी रिपोर्ट दी, और बकायदा जो उसके अध्यक्ष थे कमेटी के, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, अभी उनकी फोटो भी है मेरे पास, मैंने लंदन गजट से निकाल ली है। अच्छा।